हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधुलिका और मेरे चैनल वेदर हिमांश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट डेट नट शेक। आइए देख लेते हैं हम इसकी रेसिपी। मैंने एक मिक्सी के जार में ले लिए है 5 से 6 डेट, जिनके मैंने सीड्स अलग कर लिए थे। अब इसमें डाल देंगे हम 2 टेबलस्पूनफुल ऑफ शुगर, 1 टेबलस्पूनफुल हम डालेंगे ग्रेटेड चॉकलेट और इसको कर लेंगे हम ब्लेंड। मिक्सचर हमारा ब्लेंड हो चुका है, इसमें डाल लेंगे हम 1.5 ग्लास दूध। आधा ग्लास दूध मैं इसमें और डाल दूंगी। अब इसमें डालेंगे हम 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम के। शेक को एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए डाल लेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पूनफुल ऑफ चॉकलेट सिरप और फिर से कर लेंगे हम ब्लेंड। अब ग्लासेस को हम डेकोरेट कर लेंगे चॉकलेट सिरप के साथ। चॉकलेट सिरप को हम ग्लास में घुमाते हुए डालेंगे, जिससे कि इसमें कुछ रैंडम से पैटर्न बन जाएंगे। वो देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और पीने में तो और भी हमारा शेक चॉकलेटी हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे ग्लास को भी डेकोरेट कर लेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं इसके अंदर। अब हम दूसरे ग्लास को भी अच्छे से कोट कर लेते हैं चॉकलेट से। जैसे मर्जी डाल दीजिए आप इसके अंदर चॉकलेट, अपने आप ही पैटर्न बहुत ही निखर कर आते हैं इसमें चॉकलेट के। जब शेक डालेंगे ना तो देखिएगा कितना अच्छा पैटर्न निखर करके आया है। ग्लास अब हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना डेट नट शेक। दोनों ग्लास कर लेंगे हम फिल। अब डेट नट शेक को हम गार्निश कर लेंगे कुछ काजुओं के साथ। दोनों ग्लास में मैं कुछ काजू डाल दूंगी और फिर इसके ऊपर से डाल देंगे हम थोड़ा सा कोको पाउडर। कोको पाउडर को मैंने थोड़ा सा छलनी में ले लिया था और छलनी में से छान करके डालेंगे ग्लास के ऊपर। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।